हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरव्यूअर कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है और रेविट सॉफ्टवेयर को एक्सेस कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। ओके, और ये इसका बेसिक्स भी आपसे हम इंट्रोडक्शन भी इसका शेयर करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर किस किस जगह पर यूज होता है। एवरीथिंग अबाउट रेविट आज हम लोग कोशिश करेंगे सीखने की। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। डेवलप बाई ऑटोडेस्क कंपनी, रेविट सॉफ्टवेयर इज डेवलप बाई ऑटोडेस्क कंपनी। ऑटोडेस्क रेविट इज BIM, मीन्स बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। बहुत सुना होगा आपने BIM, ये BIM का ही एक सॉफ्टवेयर है। ओके, सॉफ्टवेयर फॉर आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, MEP इंजीनियर्स, डिजाइनर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर, हर कोई इसको यूज करता है। दैट्स वाई दिस इज MEP और दैट इज BIM सॉफ्टवेयर। BIM मीन्स बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। आर्किटेक्ट भी यूज कर सकता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर भी, डिजाइनर एंड कॉन्ट्रैक्टर एंड आर्किटेक्ट भी। ओके दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है, इन 2005 रेविट सॉफ्टवेयर, रेविट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर वॉज इंट्रोड्यूस। इन 2006 रेविट MEP, आफ्टर रिलीजिंग 2006 रेविट बिल्डिंग वॉज रीनेम्ड एज रेविट आर्किटेक्चर। ओके, सो फाइनली 2006 में आपको रेविट आर्किटेक्चर नाम से ये सॉफ्टवेयर मिल गया। रेविट आर्किटेक्चर सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड फाइल फॉर्मेट इंक्लूडिंग। इसके अंदर बहुत ढेर सारी फाइलें लाइक इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर फैसिलिटीज आई। जैसे आप DGN फाइल, .DGN, .DWF, .DWG, .DXF, .IFC, .SATN, .SKP, मतलब स्केचअप की फाइलें। इमेज कौन कौन सी इंपोर्ट कर सकते हो, .BMP, .PNG, .JPG, .ABI, .PAN, .IBR, .TGA एंड .TIF। ये आपसे पूछते हैं कौन कौन सी फाइल फॉर्मेट हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी कैट फॉर्मेट इंपोर्ट कर सकते हैं और अदर फॉर्मेट कौन कौन से हैं जिससे काम कर सकते हैं, जैसे कि ODBC, HTML, TXT, MDB एंड XLS। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन सी फाइल फॉर्मेट हम इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनका काम कैड इंपोर्ट करके होता हो सकता है उनका काम स्केचअप की फाइल इंपोर्ट करके होता हो। तो आपसे फाइल फॉर्मेट के बारे में पूछ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, वेयर वी यूज रेविट। एक्चुअली ये जो मैं पार्ट है, ये रेविट आर्किटेक्चर के लिए है। अगर आपको रेविट स्ट्रक्चर के लिए भी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, बताइएगा, तो मैं आपको रेविट स्ट्रक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, रेविट को हम लोग यूज़ करते हैं इंटीरियर के लिए, एक्सटीरियर के लिए एंड एरिया कैलकुलेशन के लिए, कि जैसे कि अगर ये लैंड है तो इसमें कितना एरिया रूम को दें, कितना रूम इसको, मतलब लैंड प्लानिंग पूरा का पूरा इसके अंदर हो जाता है, एस्टीमेशन हो जाता है इसके अंदर। हाउ मेनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड, हाउ मेनी सीमेंट्स पैकेज रिक्वायर्ड, हाउ मच सैंड रिक्वायर्ड, एवरीथिंग। और वॉक थ्रू भी हो जाता है। वॉक थ्रू क्या होता है, ये घर बन के जब दिखेगा तो इसका एक वीडियो, हम लोग वीडियो प्रारूप देखेंगे कि हाउस दैट लुक्स ऑफ योर होम, तो मतलब बनने के बाद यहाँ बेड कैसा दिखेगा, ये बाथरूम कैसा दिखेगा, एवरीथिंग यू कैन शो बाय द हेल्प ऑफ वॉक थ्रू। बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो। चलो अब एक स्टेप करके देखते हैं। सबसे पहले हाउ टू ओपन रेविट आर्किटेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइल ओपन एंड देन आर्किटेक्चर टेम्पलेट्स यहाँ से लीजिए और उसके बाद आपका वर्क स्टार्ट होगा। जैसे आप खोलेंगे, पहला UN करेंगे तो आप यहाँ पे यूनिट सेट करिए। पहले सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन, पहला काम यूनिट चेंज। ओके, जो नए यूजर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंक्रीज द लेवल। लेवल क्यों, क्योंकि अगर हमको कितने फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है, एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, चार फ्लोर, तो किसके थ्रू जाएगा, लेवल्स के थ्रू जाएगा। सो जस्ट गो टू एलिवेशन, प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाइए और यहाँ पे एलिवेशन में जाके आप प्लानिंग कर दीजिए कि कितने हाइट पे आपको देना है और उसके बाद आप लेवल आपका सेट हो जाएगा। फिर लेवल 1 पे जाके काम स्टार्ट कर सकते हैं आप। बेसिक आर्किटेक्चर कंपोनेंट क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं, वॉल, डोर, विंडो कंपोनेंट, कॉलम, रूफ, सीलिंग्स, एवरीथिंग यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ से आपसे बेसिक कंपोनेंट, जैसे कि ये घर है, अब इसमें ये रूफ है, ये वॉल है, ये विंडो है, ये फ्लोर है और ये स्टेयरकेस है, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं इसके अंदर।
सीलिंग बना सकते हो। लोग आपसे पूछते हैं क्या इसके अंदर हम लोग आर्किटेक्चर सीलिंग बना सकते हैं, हाँ जी बना सकते हैं। इसमें सीलिंग दो तरीके के, खुद से स्केच करके और एक ऑटोमेटिक, दोनों टाइप के सीलिंग हम बना सकते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सीलिंग बना सकते हैं क्या, यस ओके। हाउ टू अप्लाई मटेरियल्स, अब इसमें क्या होता है, मटेरियल अप्लाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। उसके लिए मैनेज मटेरियल्स, क्रिएट न्यू मटेरियल, वहाँ पर जाके रीनेम करिए और रीनेम करके यहाँ पर अपना मटेरियल दे दीजिए और यहाँ से अपना चेंज कर दीजिए जो मटेरियल। तो आप ये स्टेप फॉलो करिए, आप डायरेक्ट यहाँ पर मटेरियल चेंज कर लेंगे और उसके बाद कहीं पे भी मटेरियल लगा सकते हैं। इसके बाद एडिटिंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एडिटिंग के लिए यहाँ पर कंपोनेंट में आपको जाना पड़ता है। एडिटिंग इन द सेंस, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि लैम्प बनाना, तो लैम्प कैसे बनाऊंगा, तो सब कुछ यहाँ कंपोनेंट के अंदर जाना पड़ेगा। इसके अंदर यहाँ पर होता है केसवर्क, केसवर्क पर क्लिक करके केसवर्क क्रिएट करिए और फिर वहाँ पे यूज करिए। जैसे कि मान लीजिए आपको बॉक्स बनाना है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक कमांड आपको मिलेगी, दैट इज एक्सट्रूजन कमांड। मैंने अपने पूरे रेविट वीडियो ट्यूटोरियल में सब कुछ बताया है कैसे एक्सट्रूडर यूज़ करते हैं एंड एवरीथिंग। तो आप पूरा सीरीज देख लीजिए तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा, ये पूरा प्लेलिस्ट जो है ये रेविट सॉफ्टवेयर का ही है। ओके, ब्लेंड्स पूछेंगे आपको, ब्लेंड्स कैसे यूज करते हैं। ब्लेंड के लिए सेट द प्लेन, ड्रॉ बॉटम, एडिट टॉप, ड्रॉ टॉप सेक्शन, मोड एंड फिनिश मॉडल, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्वीप कमांड कैसे यूज करेंगे। स्वीप कमांड के लिए इस तरह पाथ फॉलो करना पड़ता है, ये आर्किटेक्चर पर जाके कंपोनेंट मॉडलिंग पे स्वीप स्केच पाथ मोड एंड देन सेलेक्ट प्रोफाइल एडिट प्रोफाइल सेलेक्ट ओपन ईस्ट एल व्यू ड्रॉ सेक्शन एंड फिनिश मॉडल। अब इसमें एक एक स्टेप मेरे एक स्टूडेंट ने लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टेप यहाँ पे एलिबरेट किया गया है। एक एक स्टेप आप फॉलो करके सीधे आप इसको यूज कर सकते हैं स्विफ्ट कमांड को। नहीं पता है तो वीडियो देख के वहाँ से भी सीख सकते हैं। एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 374 स्क्वायर फीट एरिया है। कैसे आर्किटेक्चर में जाना है, रूम ऑफ ऑप्शन है और वहाँ पर एडिट टाइप पर जाके शो एरिया कर दीजिए, आपको एरिया शो करने लगेगा। बहुत ईजी तरीके से आप एरिया पता कर सकते हैं। ग्रिड्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंटरव्यूअर पूछता है आपसे हाउ टू क्रिएट ग्रिड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रिड। ग्रिड इज यूज फॉर प्लेसिंग द कॉलम्स इजली, प्लेसिंग द वॉल इजली। ये देखिए यहाँ पे कॉलम प्लेस हुआ है। अब इसके मान लीजिए कि इसका नाम ए है और इसका नाम फोर है, तो आपसे पूछा जाएगा फोर ए पे कॉलम प्लेस करो, तो ये देखो आपका ए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कॉलम आएगा। तो ये इजली बहुत इजी हो जाता है ग्रिड का प्लेसमेंट करना। ग्रिड अगर आपको आता है तो कॉलम का प्लेसमेंट इजी कर सकते हो, तो इसलिए हम लोग ग्रिड को यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रिड कैसे चलता है, 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे चलता है। तो मान लीजिए आपसे बोला गया 3A पे करो, तो 3A है और ये है ए ए, तो यहाँ पर एक कॉलम आप लगा दोगे, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। तो ग्रिड बनाना आपको नहीं भूलना चाहिए, अगर नहीं आता है प्लीज़ ग्रिड बनाना सीखिए। इसके बाद रेंडरिंग करना जो सबसे मेन आउटपुट है, क्यों, क्योंकि दिखाना तो सबको यही है ना। तो उसके लिए व्यू पे जाके 3D व्यू पे जाएंगे, फिर वहाँ कैमरा का ऑप्शन है, कैमरा लगा के वहाँ पे RR एंटर करेंगे, तुरंत ये क्या हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा और इस तरीके से आपको इमेज दिखने लगेगी। तो रेंडरिंग करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए रेंडरिंग पे आपका। इसके बाद लास्ट आपको सबसे ज़्यादा जो आना चाहिए दैट इज़ वॉक थ्रू। वॉक थ्रू के बारे में क्यों, क्योंकि वॉक थ्रू एक वीडियो रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए आप पूरे घर को एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई मैंने ऐसे ऐसे बनाया है, आपका रूम ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा होगा। इसके बारे में ज़रूर पूरे अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो रेविट आर्किटेक्चर पॉइंट से आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेविट फैमिली से पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी मैं जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगा कि रेविट फैमिली में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मैंने बताया है आपको, थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि पैरामेट्रिक फैमिली क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है, बट मैं डीप में लेके आऊँगा। तो यहाँ पे यार सॉरी थैंक यू की स्पेलिंग गलत है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छे से रेविट सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना है। अगर तो आप रेविट आर्किटेक्चर पहले सीख लीजिए, इसके बाद रेविट आपको फैमिली के बारे में भी बता दूंगा, इसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप सीख लेंगे तो आपको रेविट का काफ़ी कुछ आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको प्लेलिस्ट में, आप पूरा प्लेलिस्ट चेक लीजिए, एवरीथिंग यहाँ पे रेविट के बारे में आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा मतलब आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।